और मैं संवाद की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना अट्रैक्टिव और इनोवेटिव प्रोग्राम आप लोगों ने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका मैम अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये जितना भी लेआउट है और राइटअप है और जिस तरीके से आप लोगों ने इसको अप्रोच किया है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली और अट्रैक्टिव है, तो इसके लिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक ये तो एक सबसे पहली चीज़ रही जो सभी क्रिएटर्स यहाँ से सीख के जा सकते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा इनोवेटिव बनाएं, कैसे अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं। नेक्स्ट, आज का मेरा जो टॉपिक था साइबर लॉज और उसका इफेक्टिवनेस सोशल मीडिया पे, तो पीताम्बर ने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया क्योंकि आप इतने अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर रहे थे कि बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे आप, और आपके सारे आंसर्स बहुत सही थे, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आप लोगों के क्वेश्चन सुन के इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अवेयर ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, तो वो देख कर भी बहुत अच्छा लगा हमको। मैं आप लोग को एक दो बातें बोलना चाहूँगी, उसके बाद इसे एक ओपन सेशन के तौर पे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। वो ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको दुनिया से ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चन सुन रही थी, जैसे सिलगेर पे पूछा आपने, भी एक आध क्वेश्चन पूछा, तो हमें भी समझना चाहिए क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं। आप पर्टिकुलरली, मतलब अगर हम केवल ये सोचें कि हम अपने लिए ही जिएंगे और अपने ही फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और सारे काम हम अपने ही लिए करेंगे, तो आप देश हित में कब क्या काम करेंगे। जो प्लेटफॉर्म आपको सरकार की वजह से या फिर इस डेमोक्रेसी की वजह से आपको मिलता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको इस चीज़ की आज़ादी है, तो कम से कम हम उसका सम्मान करें। और हम हमेशा एक कॉन्शियस सिटीजन की तरह, आप ऑब्वियसली एक क्रिएटर हैं, हम आप केवल अपने आप की ना सोचें कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को बहुत व्यूज़ मिलेंगे, मेरे को बहुत लाइक्स मिलेंगे। कई बार वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप लगती हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ को सोचिए एज अ अवेयर सिटीज़न आप उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी कंटेंट पे डालेंगे और उसकी वजह से अगर किसी को जनहित में हानि पहुँच रही है, तो फिर वो कंटेंट किसी काम का नहीं होगा। और एक प्रश्न आप कर रहे थे, वो सेम आंसर उन्होंने भी दिया था। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है जो काम आप कर रहे हो वो सही है, और अगर वो लीगली भी सही है और मॉरली भी सही है, तो कभी किसी के फ़ोन पे उस चीज़ को हटाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं इसका देखती हूँ, कई बार बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं या जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि वो बुली करने पे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है कि अगर हम जानबूझ के ऐसी चीज़ों को, मतलब बदला लेने के लिए डालते हैं, बिकॉज हम उस चीज़ से डे इन डे आउट काफ़ी जुड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया अब मैं तो उसको दिखाऊंगा, तो मतलब उनके मन में ये फीलिंग होती है और वो जानबूझ के ऐसे कंटेंट्स पोस्ट करने लगते हैं, किसी व्यक्ति को टारगेट करते हुए या कभी किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हुए। तो वैसा भी होता है। उस कंडीशन में ज़रूर पुलिस वाला एक बार दो बार आपको अप्रोच करेगा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। और ऐसे भी किसी को बुली करना और किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो तो एक तरीके से अपराध ही है। लेकिन जब आपको ये पता है कि जो मैं डाल रहा हूँ वो सही है, जो पोस्ट मैंने लिखा है वो सही है, और अगर उसमें कंटेंट सही है, तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि अगर डाला है तो हटाना भी नहीं है, फिर अगर सही हो तो ठीक है, और अगर गलत हो तो भाई हटाओ। ठीक है। और साइबर लॉज बेसिकली आप सभी क्योंकि डे इन डे आउट सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कभी पढ़ा होगा या उसके सिनॉप्सिस को पढ़ा होगा। जस्ट मैं एक बार पूछ सकती हूँ कितने लोगों ने उसका कभी अध्ययन किया है। तो हम बहुत ही कम, मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हम में से कितने लोगों ने उसको कभी पढ़ा है या देखा है या उसके सिनॉप्सिस को देखा है, या एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ सोशल मीडिया में आप लोग प्रेजेंट होते हैं, तो आपको अपने राइट्स के बारे में कभी आपने उस चीज़ को यूट्यूब किया है या कभी गूगल किया है। आप में से किसी ने किया है? एक बार हाथ उठा लेंगे प्लीज़। तो 5 और 6 हाथ ही उठते दिख रहे हैं। आप एक बात को सोचिए, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डालता है, जब कोई भी चीज़ डालता है, तो उस चीज़ के बारे में अध्ययन ज़रूर करता है कि उसमें क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है। तो आप अपनी अवेयरनेस, हम कितने अवेयर हैं उसकी स्थिति को आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि मैं क्या डालता हूँ वो क्राइम होगा और मैं क्या पोस्ट करता हूँ वो क्राइम नहीं है। आप स्वयं भी उसकी लीगैलिटी को अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आप डील करते हैं उसका एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो विचार जो सही है या जो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पर्सोनेशन, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे हम एक फेक अकाउंट लोग बना देते हैं। सपोज मेरा ही है, मेरे कितने सारे फेक अकाउंट चलते हैं। लोग बोलते हैं मैं आपका फेसबुक में फ्रेंड हूँ, तो मेरा तो फेसबुक में अकाउंट ही नहीं, पता नहीं वो किसके दोस्त है। ठीक है। कई बार सेम नेम से यूट्यूब पे कोई डाल देता है या कुछ और डाल देता है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें इम्पर्सनेशन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अगर आप कोई और व्यक्ति बन के किसी और व्यक्ति के नाम से किसी चीज़ को डाल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, किसी पोस्ट को आप कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्राइम होता है। कोई चाहे तो वो क्राइम कर सकता है। भले मुझे कई बार लगता है छोड़ यार उसको यूट्यूब में कमाने दे, क्यों भूपेन है ना, कमाने दो, तो मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्राइम है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या हम किसी भी ऐप्स का उपयोग करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी लीगैलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को कभी भी कोई चीज़ लगती है कि भाई ये देश हित में नहीं है या इससे, जैसे अभी आप एक गैम्बलिंग वाला क्वेश्चन कोई कर रहा था, उसमें मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने, कौन था वो, ओके नाइस, तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि यू स्टडीड अ लॉट अबाउट इट, आप उसके बारे में पढ़े हैं और आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों से चलती हैं। आपको एक बात बताऊँ, आप कौन से एडवर्टीजमेंट्स को अपने लिए कर रहे हो यार, 2 रुपये कम कमाना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे देश का नुकसान हो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एडवर्टीजमेंट को अपने पोस्ट में लगा रहा हूँ और उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि साइबर लॉ इतना रिच है ना, मतलब साइबर का जो पहुँच है ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी सब, वो इतना विस्तृत है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके किस एडवर्टीजमेंट से टेररिज्म फंड हो रहा है, आपके किस हरकत से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जा रहा है, किस एडवर्टीजमेंट से, और उससे कौन वेपन ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आपके देश को हानि पहुंचा सकता है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ से, सपोज कि कश्मीर में कोई टेररिज्म को फ्लड कर रहा है, कि कोई इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में फैल रही है, कि अब तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नक्सलिज्म में पैसा जा रहा होगा। मतलब जस्ट एक बात है कि यू नेवर नो कि कौन सी चीज़, बिकॉज जो क्राइम करता है ना उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज दौड़ता है और नेगेटिव ही दौड़ता है, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को पकड़ सकता है। सो एज अ अवेयर कंटेंट क्रिएटर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से किस्म के एडवर्टीजमेंट्स को आप अलाउ कर रहे हो, और सही और गलत का भेद तो अपने आप में पता होता है ना। जैसे आप बैटिंग की बात कर रहे थे, तो मे बी आपको बहुत पैसे देते होंगे, बट आपका देखने वाला भी तो सोचेगा ना यार कि आप ऑनलाइन बैटिंग का एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, कोई बात हुआ। आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे देखने वाले में कई 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, क्या वो बिगड़ेंगे नहीं, क्या बैटिंग से उनका घर खराब नहीं होगा, उनके माता पिता का, वो तो पैसे नहीं कमा सकते, वो अपने माता पिता का, आपको पता है ये कितना विशेष साइकिल है बैटिंग का, वो अपने पेरेंट्स के पैसों का दुरुपयोग करेंगे, उसको लगाएंगे, जब वो बच्चा वो पैसे हार जाएगा तो अपने घर में या तो चोरी करने लगेगा, अपने माता पिता से संबंध खराब होंगे, बच्चा भाग जाएगा छोटी उम्र में, अपना घर छोड़ लेगा, सुसाइड कर लेगा, उसको इतना मेंटल ट्रॉमा होगा कि कल के दिन में जब उसकी मैरिज होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो किसी के साथ उसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर साइकिल है, जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें इसका एहसास होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि गवर्नमेंट जब चाहे, जैसे टिकटॉक एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि जब ये लगा कि ये चीज़ जो है कंट्री के हित में नहीं है, तो एक क्लिक में वो ऐप हट गया इंडिया से, ठीक है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो तो एक इतना बड़ा ऐप है, ठीक है, हम लोग तो सिंगल सिंगल क्रिएटर बैठे हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कब कौन हट जाए, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि कैसे आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपको मतलब इट्स नॉट, लेकिन भविष्य में ये चीज़ हो सकती है जो मुझे समझ आता है। आपको एक ऐड याद है, मैगी का ऐड आता था, फिर बीच में मैगी पे केस हुआ, उस केस की वजह से माधुरी दीक्षित पे भी एक केस हुआ था, आपको पता है, क्योंकि वो उसके एडवर्टीजमेंट में आती थी। डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, पूछ रही हूँ, पता है क्या करते हो यार, ये भी नहीं पता, आप लोग छोटे थे क्या उस समय, है ना, आप लोग को पता होगा ना भाई, ऐसी चीज़ों को जाने। तो जब वो ऐड आया था, जब उन पर केस हुआ, उसके बाद ही तो पतंजलि का नूडल्स आया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो जब वो मैगी पे जब उन्होंने केस किया, तो बाद में उन पर भी इस चीज़ को लेकर के केस किया गया था कि आप उस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है ऐसा हो कि आप किस ब्रांड को एंडोर्स करते हो उससे आपको भी अटैच किया जाए, इसकी भी संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको सोचते हुए चलना चाहिए। बाकी अब इसको ओपन प्लेटफॉर्म करते हैं, आपको जो पूछना है वो आप पूछिए, ताकि और वेरिड और डाइवर्स क्वेश्चन हमको मिल पाए। उनको माइक दे दीजिए प्लीज़। भैया आपके पास एक और कॉर्डलेस माइक है? हेलो, हाँ प्लीज़।